फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह, वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ZRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो है ये सेकेंड वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स किए थे मैनेजमेंट के। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन हैं, तो उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। तो उसमें पहले के कुछ 15-16 वीडियोस हैं और अभी ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये वाले वीडियोस हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट जो आपको मोटिवेट करेगा। सेटिंग गोल्स इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। इनविजिबल मींस एनीथिंग जो आप अभी इमेजिन कर रहे हो कि हाँ आपको ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है या एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो इनको विजिबल मींस इमेजिनेशन से उसको रियलिटी में लाने तक का जो प्रोसेस है उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है गोल सेटिंग। जब तक आप गोल नहीं सेट करोगे, तब तक आप उस गोल के लिए आप कुछ काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी इमेजिनेशन जो भी थी, आपने जो भी सोचा था करने को, वो रियलिटी में चेंज नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि गोल सेट करो और उसके बाद उस गोल पे वर्क करना स्टार्ट करो। जब आपने जो गोल सेट किया है उसके लिए जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो जो लास्ट में जो रिजल्ट्स आएंगे दैट आर वेरी अमेजिंग, मीन्स बेस्ट रिजल्ट आएंगे। इसीलिए आप जो भी गोल सेट करते हो उसके लिए आप अपना 100% दो और आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चन है जुलाई 2018 का। हिडन फैमिली इनकम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हिडन फैमिली इनकम है जो मीन्स जो डायरेक्ट इनकम नहीं होती है, किसी न किसी सोर्स के थ्रू होती है, उसको बोलते हैं हिडन फैमिली इनकम। तो इसमें से हिडन फैमिली इनकम कौन कौन से हैं, तो ऑप्शंस क्या हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम, कम्युनिटी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड साइकिक इनकम। तो हम देखते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। ये हमारी हिडन फैमिली इनकम है। अब साइकिक की बात करें तो साइकिक जो है वो आत्मिक या फिर मानसिक इनकम है, जहाँ से हमको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये साइकिक इनकम ये टाइप ऑफ डायरेक्ट इनकम का या फिर जो मेन इनकम का टाइप है वो है, तो ये हिडन फैमिली इनकम में नहीं आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलिस प्रोटेक्शन, रोड्स एंड टेम्पल्स आर द प्रोटेक्शन ऑफ। टेम्पल के साथ जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया है, पार्क्स हैं और ये पार्क हो गया, जो भी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी के लिए प्रेजेंट हैं, तो ये कौन से रिसोर्स हो जाएंगे, ये रिसोर्स हो जाएंगे कम्युनिटी रिसोर्स। टेम्पोरल रिसोर्स मीन्स ऐसे रिसोर्स जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लाइक अभी जो टाइम है, जो कंडीशन है, इस टाइम कौन से रिसोर्स प्रेजेंट हैं, और अगर हम देखें आगे 20 इयर्स के बाद इनमें और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा तो दूसरे रिसोर्स प्रेजेंट होंगे। मीन्स ऐसे रिसोर्स जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं उनको बोलते हैं टेम्पोरल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज जो राष्ट्र के लिए होते हैं, जो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेशन के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। तो जो पुलिस प्रोटेक्शन है, रोड है, टेम्पल हैं, ये सब जो हैं ये कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्सन एंड रीज़न। असर्सन इसमें बात किया है वर्क कर्व की, तो वर्क कर्व क्या होता है, सिंपल सा वर्क कर्व होता है ये, ऐसा जहाँ पे काम, जहाँ पे बिल्कुल एक जगह एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसके बाद काम के जो पीक वैल्यू है धीरे धीरे इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हाईएस्ट वर्क होगा, उसके बाद काम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है वर्क कर्व, जो इम्पॉर्टेंट टूल है वर्क फोर्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए वर्क कर्व जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है। वर्क कर्व हेल्प करता है टू स्टडी द चेंजेस इन आउटपुट ऑफ वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर रेगुलर कोई काम कर रहा है तो वो अपने वर्क कर्व के अकॉर्डिंग देख सकता है कि वो जो काम कर रहा है उसके काम करने का तरीका क्या है, उसमें अगर कुछ चेंज कर दिया जाए तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये वर्क कर्व इसमें हेल्प करता है हमको स्टडी करने में कि इन फ्यूचर हमारा जो वर्क पीरियड है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या कोई पीरियड है वहाँ पे पीक लोड है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें बोथ ए एंड और असर्सन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ फैमिली बजट इज़ अ वे ऑफ डिटेलिंग एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। जो फैमिली बजट है, क्योंकि फैमिली की जो नीड्स हैं
फैमिली में कई सारे मेंबर हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग नीड्स हैं, तो अलग अलग नीड्स हैं मीन्स अलग अलग कैटेगरी में आ जाएंगी, और उसके लिए बजट बनाना है। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, जो नीड ज़्यादा ज़रूरी है उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे और उसके लिए बजट बनाएंगे। और बजट बनाने का बेनिफिट क्या है, ये जो फैमिली को है वो उनकी इनकम के अंदर में ही मीन्स जितनी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग बजट बनाने में हेल्प करता है। तो ये दोनों ऑप्शन ए और आर दोनों करेक्ट हैं, मीन्स बजट पूरी फैमिली में, जैसे कोई एक वीक का बजट प्लान कर रहा है तो वीक का बजट प्लान कर रहा है तो उसमें फ़ूड से लेके क्लॉथिंग तक सब कुछ आ रहा है। तो अब फूड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे फोकस होगा कि जो सीजनल फूड्स हैं उनको परचेज किया जाए या उनको लिया जाए, जिससे क्योंकि ऑफ सीजन वाले फूड हैं वो महंगे पड़ेंगे, तो अब जब सीजनल फूड लेंगे तो वो सस्ते भी पड़ेंगे और इजिली अवेलेबल भी हो जाएंगे। और यहाँ से बजट यही हमको हेल्प करता है, बजट कि कैसे कम से कम पैसे में, कम से कम एक्सपेंडिचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस को लिया जा सके। तो ये है मेन बजट का काम। तो यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीज़न बोथ जो हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स इसमें से रिसोर्सेज की विशेषताएँ क्या हैं, रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो लिमिटेड, जो लिमिटेडनेस होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड भी होते हैं, और मैनेजरियल प्रोसेस अवेलेबल। यहाँ पे ये मैनेजरियल प्रोसेस मीन्स रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करना है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं ये एक पर्सन है, एक ये सेकंड पर्सन है, तो हर किसी के लिए रिसोर्सेज अलग अलग हैं। इस 24 आवर का टाइम ये एक रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स है, तो पहला पर्सन इसको किसी और तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा होगा और सेकेंड पर्सन है वो किसी और तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा होगा। लाइक जो पहला पर्सन है उसको रात में जल्दी सोना पसंद है और सुबह जल्दी उठना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डे का टाइम यूटिलाइज़ कर रहा है। अब सेकेंड पर्सन है वो लेट नाइट तक वर्क कर रहा है, मॉर्निंग में लेट उठ रहा है, तो वो नाइट वाला टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है। तो ये कि पर्सन टू पर्सन वो रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये आता है मैनेजरियल प्रोसेस में। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ द चार्ट विच शोज स्टेप बाई स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैथड यूज इन डूइंग अ टास्क। कोई टास्क है, कोई वर्क है, उसको स्टेप बाई स्टेप जब डिस्क्राइब करते हैं कौन सा मैथड यूज़ होता है। तो अब अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकेंड आ जाएगा नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज में क्लासिफिकेशन हो जाएगा, फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक प्रोसेस हो रही है, एक फ्लो चार्ट बन रहा है, और यहाँ पे स्टेप टू स्टेप सब चीज़ें अलग अलग डिवाइड हो रही हैं। तो सबका जब अलग अलग स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन आता है तो वहाँ पे होता है प्रोसेस चार्ट। ऑपरेशन चार्ट की बात करें तो जहाँ पे हैंड का मूवमेंट, दोनों हाथों का मूवमेंट बताते हैं कि हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, वहाँ पे आता है ऑपरेशनल चार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज़, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोसेस चार्ट। जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है वो होता है प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेंजिबल टूल्स यूज्ड बाय मैनेजर टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इफिशियंसली। टेंजिबल मीन्स फिजिकल टूल्स, या ऐसे टूल्स जिनको बाहर से हम टच कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये आते हैं टेंजिबल। अब जिन ऐसे टूल जिनको हम चेंज कर, जो मैनेजर जो है ऐसे टूल्स जिनको चेंज करके फंक्शन इफ़िशियंटली फंक्शन को परफॉर्म कराएं, वो क्या होंगे, तो होगा स्टाफ अप्रेजल, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। क्योंकि स्टाफ मैनेजर है, उसके पास स्टाफ है, तो उसको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उसको अप्रेजल देना है, तो वहाँ पे वो उनको मोटिवेट करके इजिली काम करा सकता है। उसके बाद उसके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू देख सकता है पर्सन टू पर्सन परफॉर्मेंस। फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या वर्क शेड्यूल है, ये सब दिया हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जो पर्सन जो काम कर रहा है उसके जॉब के स्टैंडर्ड्स अलग अलग पूरे क्लासिफाई हैं, तो इन मैनेजर इन सब चीज़ों को चेंज कर सकता है और इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग काम करा सकता है। तो ये आते हैं टेंजिबल। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, स्टाफ अप्रेजल, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। टेंजिबल टूल्स मीन्स ऐसे टूल्स जिनको फिजिकली चेंज किया जा सकता है या जिन पे जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये आते हैं टेंजिबल टूल्स।
अब बात करते हैं असर्शन रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। असर्शन है मैनेजमेंट ऑफ टाइम कैन बी प्रैक्टिस्ड बाई टैकल पीरियड लोड। पीक लोड मीन्स, जब पीक लोड मीन्स कोई एक टाइम जहाँ पे वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमने पढ़ा था वर्क कर, ठीक है, तो वर्क कर ये हो गया, तो ये यहाँ पे हाई पीक है, मीन्स यहाँ पे वर्क लोड बहुत ज़्यादा है। तो टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करके ये पीक लोड को कम किया जा सकता है, तो ये सही है। उसका रीज़न क्या दिया है कि एलोकेशन ऑफ वर्क टू फैमिली मेम्बर्स विल बी हेल्पफुल मैथड। अब देखो बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली में अगर मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, चिल्ड्रेन स्कूल जा रहे हैं, और भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी वर्किंग हैं, तो मॉर्निंग में सबको ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच भी चाहिए, टिफ़िन चाहिए, तो यहाँ पे जो वर्क है पीक लोड पे हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम लिमिटेड है। अगर 9 AM तक सबको निकलना है तो टाइम तो लिमिटेड है और काम है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हर कोई फैमिली मेम्बर अपनी स्किल के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग टाइम काम को आपस में एलोकेट कर लेता है, बांट लेता है, फिर सब लोग अगर काम करते हैं तो ये पीक लोड को मैनेज किया जा सकता है। तो ये असर्शन और रीज़न इसके दोनों सही हैं कि पीक लोड में अगर टाइम को अच्छे से मैनेज किया जाए और वर्क को प्रॉपरली डिवाइड करके किया जाए तो पीक लोड को मैनेज किया जा सकता है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जून 2015 का, ये भी असर्शन एंड रीज़न है। टाइम एंड एनर्जी डिमांड ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन आर सेम इन डिफरेंट स्टेट ऑफ फैमिली साइकिल। देखो एक तो एम्प्लॉयी वुमेन है, ठीक है, और बात की है डिफरेंट स्टेजेज ऑफ फैमिली साइकिल, फैमिली की डिफरेंट स्टेजेज पे एम्प्लॉयड वुमेन की या किसी भी पर्सन की क्या टाइम और एनर्जी डिमांड सेम रहती है। अच्छा आप खुद देखो, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपकी मदर वर्किंग है और घर में और भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो अभी घर में होंगे, ठीक है, तो सबका टाइम और एनर्जी डिमांड अलग अलग है। कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास सफिशियंट टाइम है, मदर वर्किंग है तो उनके पास टाइम नहीं है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास भी टाइम नहीं है, और सबकी एनर्जी डिमांड अलग अलग है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हर एक स्टेज पे, हर एक लाइफ साइकिल की, फैमिली साइकिल की हर एक स्टेज पे एनर्जी और टाइम की डिमांड जो है वो अलग अलग है। फिर आता है रीज़न इसका, एनर्जी मैनेजमेंट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स देन टाइम मैनेजमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेजेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। तो ये सही है क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है 24 आवर्स, ठीक है, तो उसको सब मैनेज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे बात की है एनर्जी की, तो एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मींस एनर्जी को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है अगर हम बात करें टाइम के कंपैरिजन में। तो जो असर्शन है वो गलत है, रीज़न जो है वो सही है। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी है कि असर्शन इनकरेक्ट है, रीज़न सही है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हर एक स्टेज में एनर्जी और टाइम की जो डिमांड है वो सेम नहीं होती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। यहाँ पे रिसोर्सेज दिए हुए हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, रूटीन रिसोर्सेज एंड प्रपोर्शन। एंड इससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब तक वीडियो पहुंच सके और उसका वो बेनिफिट ले सकें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने अभी लास्ट में पढ़ा फिजिकल टूल्स या फिजिकल रिसोर्सेज टेंजिबल होते हैं, तो सिंपल सी बात है ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगे, वो इनटेंजिबल हो जाएंगे। रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, हमने अभी पढ़ा रिसोर्सेज इंटर रिलेटेड होते हैं। रूटीन डिसीजन, रीअकरिंग रूटीन डिसीजन मीन्स डेली के जो डिसीजंस हैं, लाइक मॉर्निंग में जगह है, उसके बाद एक्टिविटी करना है, एक्सरसाइज करना है, कॉफ़ी पीना है या स्टडी करना है, तो सबका अपना अलग अलग रूटीन डिसीजन है, रूटीन है, तो उसके लिए हमें डेली डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो रीअकरिंग है, वो सेट हो गया है, पैटर्न सेट हो गया है। तो जो रूटीन डिसीजंस होते हैं वो रीअकरिंग होते हैं। प्रोपोर्शन इज़ गोल्डन ऑबलॉन्ग, प्रोपोर्शन और स्केल ये गोल्डन ऑबलॉन्ग जो स्पेस से रिलेटेड है, मीन्स जगह से, प्लेस से रिलेटेड है, वहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनटेंजिबल टूल ऑफ मैनेजमेंट। इनटेंजिबल मीन्स पर्सनल टूल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन टूल्स, इनको बोलते हैं इनटेंजिबल। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी।
तो हम बात करते हैं इनटेंजिबल टूल की। तो इनटेंजिबल टूल्स क्या हैं, जिनको बाहर से कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इनटेंजिबल जो मीन्स हमारे अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारी अपनी पर्सनालिटी है, वो आते हैं इनटेंजिबल टूल में। तो वो क्या होंगे, लीडरशिप है, लीडरशिप की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर किसी में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आती है। कम्युनिकेशन स्किल, हर किसी का अपना कम्युनिकेशन स्किल अलग अलग होता है। डिसीजन मेकिंग, हर किसी का डिसीजन मेकिंग या डिसीजन लेने का जो एक टैलेंट है, या जो डिसीजन लेने के लिए जो इफेक्टिवली जितना माइंड एक्टिव होना चाहिए, वो सबका अलग अलग है। तो ऑप्शन क्या है सही, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये हैं सब इनटेंजिबल टूल्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द स्टेप टू अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग अ टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल। एक्टिविटी शेड्यूल को प्रिपेयर करना है टाइम को लेकर। तो हम अगर टाइम को लेकर एक्टिविटी प्लान करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी में है, हिंदी में भी देखिए, सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटीज़ देखेंगे कि हमारी टोटल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, फिर उनमें फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़, फिर हम देखेंगे हर एक एक्टिविटी के लिए टाइम क्या है, हमारे पास टोटल टाइम क्या है, फिर एक्टिविटी और टाइम को एनालाइज करेंगे, फिर एक फाइनल प्लान बनाएंगे। तो ऐसा ही तो होगा ना, तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्या है, सबसे पहले हम हमारे पूरे दिन के टास्क एक्टिविटीज़ क्या हैं, फिर उनको हम देखेंगे फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल कौन कौन सी हैं, फिर हम हर एक ईच टास्क के लिए कितनी एक्टिविटी एनर्जी देना है, टाइम देना है, ये देखेंगे। उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे शेड्यूल की, हम जो हमने शेड्यूल बनाया है वो हमारे प्रॉपर जो हमारी रूटीन है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसको कौन सी एक्टिविटी पे लगाना है, या कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जा सकती है वो। उसके बाद फाइनल टाइम और एक्टिविटी प्लान देखेंगे कि फाइनल प्लान बन के क्या तैयार हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट होता है। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आपको बताना ये है कि जो HDL है ये बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज होता है और कहाँ सिक्रीट होता है। सिंपल सी बात है, जहाँ सिंथेसाइज होगा वहीं से सिक्रीट होगा। तो आपको बताना है कि HDL कहाँ सिंथेसाइज होता है बॉडी में, ओके। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।